नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो टॉप 6 बल्लेबाज कौन से हैं जिन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं पूरी खबर की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि विश्व में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हैं। जी हां दोस्तों, हम उन तीन फॉर्मेटों की बात कर रहे हैं जिन्हें आप सभी बखूबी जानते हैं, जैसे कि T20 हुआ, टेस्ट मैच हुआ और ODI सीरीज हुई। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं उन टॉप 6 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इन तीनों ही फॉर्मेट में धमाल मचाते हुए एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जी हां दोस्तों, जानेंगे इन्हीं 6 खिलाड़ियों के बारे में, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों बात करें छठे खिलाड़ी की, जो छठे खिलाड़ी इस लिस्ट में निकल के आते हैं वो है राहुल द्रविड़। जहाँ दोस्तों राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में छठे स्थान पर मौजूद हैं। राहुल द्रविड़ 1999 में शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए 53 मैचों की 65 पारियों में बल्लेबाजी उन्होंने की थी और उन्होंने इस वर्ष में 2626 रन बनाए थे और 10 शानदार शतक लगाए थे इस दौरान। तो ऐसे में दोस्तों वहीं आगे बढ़ते हुए हम बात करें पांचवे खिलाड़ी की, जो दोस्तों पांचवे खिलाड़ी हैं वो है केन विलियमसन। जहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने 2015 में कमाल का प्रदर्शन किया था। केन विलियमसन ने 39 मैचों की 46 पारियों में बल्लेबाजी की थी। उन्होंने इस दौरान 2652 रन बनाए थे और वहीं इस दौरान उन्होंने 8 शतक भी जमाए थे। तो वहीं दोस्तों ऐसे में आगे बढ़ते हुए हम बात करें चौथे खिलाड़ी की, जो दोस्तों चौथे खिलाड़ी हैं वो है कुमार संगाकारा। जी हाँ दोस्तों, कुमार संगाकारा विश्व के सबसे शानदार क्रिकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक है। कुमार संगाकारा ने 2014 में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी और इस दौरान उन्होंने 47 मैच खेले थे और उनकी 56 पारियों में बल्लेबाजी की थी और संगाकारा ने 8 शतक लगाए थे और इस दौरान उन्होंने 2813 रन बनाए थे। और वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें तीसरे बड़े खिलाड़ी की, तो जो दोस्तों तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं वो है विराट कोहली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों पिछले 2 सालों में वे ICC का मैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीत चुके हैं और वहीं कोहली ने 2017 में 46 मैच खेले थे और उनकी 52 पारियों में बल्लेबाजी की थी और इस दौरान कोहली ने 11 शतक लगाए थे और इस दौरान उन्होंने 2818 रन बनाए थे। और ऐसे में बात करें कोहली के 2018 के रिकॉर्ड के बारे में, तो विराट कोहली ने 2018 में 2735 रन बनाए थे। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करें दूसरे खिलाड़ी की, जो दोस्तों दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने 2017 में 6 शतक लगाए थे और 2019 में उन्होंने 22 मैच खेले हैं और 22 मैचों की पारियों में उन्होंने 1204 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2017 के रिकॉर्ड के बारे में, तो उन्होंने 45 मैचों की 56 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2815 रन बनाए हैं। और वहीं ऐसे में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें पहले खिलाड़ी की, जो दोस्तों पहले खिलाड़ी हैं वो हैं रिकी पोंटिंग। जी दोस्तों, आप लोगों को इनका नाम जानकर थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन हाँ दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जो पहले स्थान पर है वो रिकी पोंटिंग ही है। दरअसल दोस्तों रिकी पोंटिंग ने 2005 में 46 मैच खेले थे और उनकी 58 पारियों में बल्लेबाजी की थी और इस दौरान पोंटिंग ने 9 शतक की मदद से 2833 रन बनाए थे और 2003 में पोंटिंग ने 2657 रन भी बनाए थे। तो ऐसे में इस लिस्ट में जो पहले के स्थान पर थे वो रिकी पोंटिंग थे, दूसरे पर रोहित शर्मा, तीसरे पर विराट कोहली, चौथे पर कुमार संगाकारा और वहीं पांचवे पर केन विलियमसन और छठे स्थान पर राहुल द्रविड़। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 6 खिलाड़ियों में से वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो रिकी पोंटिंग के सबसे ज्यादा रन बनाने का एक साल का रिकॉर्ड तोड़ दे। आप लोग अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।